तब से ये नपुंसक हो जाएगा, ये नपुंसक हो जाएगा, इसलिए वो मेरे मामा लगता है जब शादी होएगा मैं उसका गोद में बैठ जाऊंगा। गुरु जी बोलते हाँ, गोद में बैठ गए थे विवाह के समय, हाँ, इसलिए मैं गोद में बैठ जाऊंगा, पुरुषार्थ ले लिया, हाँ सर पुरुषार्थ ले लिया उसको ले करके गोद में बैठी करके, और इतने में जब शादी होगी ना उसमें कहते हम बारह मतलब हम स्वीकार करते, मैं बोलूंगा मैं स्वीकार करता हूँ जो मंत्र बोलेंगे, मतलब मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, और जो तुम माला अदला बदला होता है ना नियम है माला अदल बदल, जब राधा रानी माला पहनाएंगे ना मैं गोद में बैठे रहूंगा सर का आगे कर दूंगा, और जो माला मेरे गले में माला दे देना। लेकिन ये बात को सबके सब हंसी दिलक करते हुए उड़ा देंगे, क्योंकि वो मेरे मामा लगते हैं, हैं? हसीद। लेकिन शादी किससे हो गई, मेरे से हो गई शादी, हैं? इसलिए और वहां पर विश्वभानु महाराज ने बड़े सुंदर राजमहल बनाया, वरना आता है इतने सुंदर राजमहल बनाया, इसमें इतने सुंदर तोते मैना और मयूर, आकाश में जो मयूर हंस उड़ जाते थे उनको लगता था सचमुच से यहाँ पर कोई हंस मयूर वो आकर के मुंह में मुंह चुंबन करती थी, मतलब इतनी सुंदर यहाँ पर उन्होंने राजमहल बनाया। और राधा रानी की जो शादी है यहीं पर राधा रानी की शादी हुई, जब से शादी हुई हो गया नंपुस हो गया, पुरुषत्व तो खत्म हो गया, वो हर समय गौशाला में रहा करता था और कृष्ण आकर के रोज रोज उनको साथ में यही लीला करती थी। एक समय एक छोटी लीला सुन लो, मतलब एक समय क्या हुआ राधा रानी यहीं पर आकर के कृष्ण के साथ में, कृष्ण यहीं पर लीला करते थे। एक दिन क्या हुआ जटिला कुटिला बोले सास ननद बोले मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, लगता है शाम हो जाएगा, और पति तो यहाँ नहीं रहता था, आयना घोष रहता था गौशाला में, जटिला कुटिला बोले हम शाम को जा रहे हैं कोई विशेष काम के लिए, जब जटिला कुटिला बोले शाम को जा रहे बस इनको तो सुजोग मिल गया। इतने में सखी से उन्होंने मैसेज दे दिया कृष्ण तुम आ जाओ दिन भर यही पर लीला करेंगे हम। इतने में कृष्ण आ गए, कृष्ण आकर के राधा रानी को साथ में मिल रहे थे, जब यहाँ पर मिल रहे थे ना जटिला कुटिला तो जा रहे थे लेकिन काम नहीं बना, आधा रास्ता से वापस चले आए, जब वापस चले आए और उनको तो पता नहीं था, वो तो सोचे शाम को आएंगे, लेकिन कृष्ण आ गए राधा रानी से मिल रहे थे, जब मिल रहे थे ना इतने में जटिला कुटिला जब आ गए देखा कृष्ण को साथ में राधा रानी को साक्षात मिलन करते हुए देखा, उन्होंने किसी से चुंबन कर रहे थे राधा रानी को, जब देख लिया ना अभी तो ललिता विशाखा कोई ना कोई बहाना बना देते थे, नहीं ऐसे हो गया ऐसे हो गया, अभी पूरा के पूरा रंगे हाथों से कृष्ण और राधा रानी पकड़ गए। ए जटिला कुटिला को इतने क्रोध आया गया, बोले तू दुष्टा मैं जानती हूँ तू क्या करती हो, शादी किया मेरे बेटे के साथ में कृष्ण को साथ में मिल रही हो, हाँ तुम दुचारिणी, और क्या क्या गाली देने लग गया। अभी तो सबके सब एकदम चकित हो गए, अभी अभी बहाना क्या बनाए, कुछ बहाना बनाने का रास्ता नहीं, लेकिन कृष्ण कौन है, भगवान है, कृष्ण भगवान वो सब सब कुछ करना वो जानते हैं। इतने में कृष्ण आकर के जटिला कुटिला को गाली देने लगे, बोले क्यों चिल्ला रहे हो, बोले चिल्ला गिरी तुम मेरे बहुत से क्यों मिल रहा था, कृष्ण ने कहा मैं नहीं मिल रहा था, बोले क्या कर रहा था, बोले मैंने तेरे घर का माखन नहीं खाया, मैंने तेरे घर की माखन नहीं खाई, तेरी बहू है ना वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कहा अगर मैंने माखन खाया तो मुंह में तो खुशबू होगी तो इसलिए मुंह को सूख कर देख ले, इसलिए तेरी बहू मेरे मुंह को सूंघ रही थी, मक्खन खाया कि नहीं, बस झट बात बलती गई, हाँ बात झट बलती गई, और सबके सब इसलिए कृष्णा ऐसे यहाँ पर ऐसे ही कृष्णा बड़े सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कृष्णा जावट में बड़े सुंदर सुंदर लीला की। सिद्धार्थ कुमार जी कोई कथा सुना थी, एक बार ये प्रज्ञा सुना है ना, एक बार क्या हो रहा है सुनो सुनो, यशोदा मैया राधा जी रोज आकर नंदगांव में पकवान बनाती है ना, यशोदा मैया के मन में बड़ा विचार आया कि राधा आती है दूसरे की बहू है उसको कुछ उपहार देना चाहिए, तो अभिमन्यु को बुलाया, आयन घोष अभिमन्यु तेरी बहू के लिए मैंने बहुत सारे उपहार रखे हैं, पूरा एक ट्रंक एक बक्सा भर के हीरे मोती जवाहरात उनको दूंगी तुम आ जाना। अभिमन्यु आया, यशोदा मैया ने इतना बड़ा बक्सा उसमें हीरे मोती जवाहरात सब भरे पड़े थे, तो बोलते अभिमन्यु ये सारा तुम्हारी राधा के लिए, अभिमन्यु तो बड़ा प्रसन्न हो गया इतना सब, बोलते हाँ लेकिन अरे एक मेरा बहुत सुंदर हार है हीरों का हार वो तो अंदर ही रह गया उसको लेने जाती हूँ, तू मेरे साथ चल देख कितना सुंदर है। तो अभिमन्यु को लेकर यशोदा मैया भीतर चली गई और यहाँ पर कन्हैया विचार करने लगे भैया मधुमंगल क्या करे, बोलते करना क्या है अभी हम देखते हैं, बक्सा खोला सारे हीरे मोती जवाहरात वहां से निकाले
और कृष्ण को बिठा दिया बक्से के अंदर, बोलते बाहर से लगा दो ताला और चाबी दे दो मैया के हाथ में। कन्हैया बक्से के अंदर और चाबी, मैया आई जब बाहर, बोलते अभिमन्यु ये माला, ये हार भी दे देना, ये बक्सा भी राधा को दे देना, और ये बक्से की चाबी ये तुम्हारे पास, तो उठा कर ले जा। अभिमन्यु उठाया, बहुत भारी है आज तो, बहुत माल मिला, माला माल हो गए। अब उस बक्से में कौन बैठा है? कृष्णा। कौन बैठा है? कृष्णा माल, असली माल ऑर्गेनिक है पूरा। तो पूरा उठाकर अभिमन्यु लेकर आए अपनी माँ के पास। कौन है माँ? जटिला। बोलते माँ, माँ यशोदा जी ने राधा के लिए बहुत बड़ा सामान दिया है, अब तो हम माला माल हो गए। तो जटिला कहने लगी, देख बहू के लिए दिया है, उसी का ही अधिकार है, बहू को दे, ना तेरा है ना मेरा है, ठीक है। बड़ी वहां पर सती सावित्री दिखा रही है, बड़ी सच बोल रही है, ये बहू का सामान है। तो ये अभिमन्यु भीतर, अभिमन्यु भीतर बक्सा लेकर गया, बोलते राधे देखो यशोदा जी ने आपके लिए बड़ा सुंदर ये सामान दिया है, तो मैं बाहर जाता हूँ, तुम खोल कर देखो, बहुत माल है, बहुत माल है। इतने में ललिता जी आई, राधा जी कहने लगी, ललिता जरा बक्सा खोलो, देखें यशोदा जी ने क्या भेजा। तो जैसी चाबी से बक्सा खोला, मानो जो सच माल है वो माल बाहर निकल आया, ऐसे खड़ा हो गया। और देखकर राधा जी मंद मंद इतनी प्रसन्न हो गई, अरे इतनी विपरीत स्थिति में भी आकर मुझसे यहाँ पर आप मिलन करने आ रहे हैं, आपका प्रेम बिल्कुल सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम है, विपरीत स्थिति में ही, और वहीं पर ही राधा जी और कृष्ण का मिलन हुआ। जय जय राधा कृष्ण। इसलिए बड़ी सुंदर सुंदर ये सारी लीलाएं हमारे गुरुजन श्री विष्णु चक्र ठाकुर।